हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स जो होता है किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा बैकबोन होता है। मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस ये वो दलदल है जहाँ से निकालने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी भी कंपनी का मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, अकाउंट्स अच्छा नहीं है तो कंपनी कभी भी तरक्की नहीं करती है। तो उसके लिए एक कंपनी में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड फॉर्म हो, सब जगह पर अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंट्स आज हम बात करेंगे कि अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उस दलदल से बाहर निकालना है तो आपको एक बैकबोन की जरूरत होती है। एक ऑनर कुछ भी नहीं कर सकता है, अकेला चारा भाड़ा नहीं फोड़ सकता है, उसमें अकाउंटेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अपडेट परचेज रिकॉर्ड। आप जो भी जहाँ से भी परचेज करते हो, जहाँ से भी जो भी परचेज करते हो, लिसन केयरफुली सबको मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी ऑडियंस है सामने बैठे हुए ध्यान दो। आप जो भी परचेज करते हो उसको जब आपको अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। कहाँ से मटेरियल आया, कौन दिया, क्या मटेरियल दिया। सेकंड क्या है? अपडेट सेल रिकॉर्ड। डे बाय डे आप जो भी सेल करते हो किसी को उसको अपडेट हो जाना चाहिए। सेम डे में नहीं तो अदर डे बिफोर लंच तक आपको अपडेट कर देना चाहिए। उसका लेजर भी अपडेट कर देना चाहिए और उसका एलआर कॉपी भी अपडेट कर देना चाहिए और कस्टमर के पास इनवॉइस बाय मेल, इनवॉइस आपका, उसका लेजर और उसका एलआर कॉपी कस्टमर तक पहुंच जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? ईएसआई पेमेंट का भी उनको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जो भी हमारे पास स्किल या नॉन स्किल जितने भी इम्प्लाई जाते हैं, तो अकाउंटेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हमारे पास कोई नया या पुराना है, ज्वाइन किया है, तो उसको पहले ईएसआई पर फोकस करना चाहिए। कोई भी आया ईएसआई फर्स्ट बना के देना चाहिए, तभी ड्यूटी पर रखना चाहिए और ईएसआई का पेमेंट आपको 10-15 तक आपको कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन क्या है? जीएसटी फाइलिंग बिफोर 10th। अब जब भी आप बिजनेस करते हो, सेल या परचेज करते हो, तो आपको उसको जीएसटी का फाइलिंग जो है 10th के पहले आपको अपडेट कर देना चाहिए। आप जो भी परचेज किए, सेल किए, तो जीएसटी का आपका फाइलिंग बिफोर 10th तक हो जाना चाहिए। इसमें थोड़ा भी डीले नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मूथ बिजनेस करना चाहते हो, अपने आप को उस दलदल से निकालना चाहते हो, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटेंट की। नेक्स्ट थिंग तुम्हारा आता है कि इलेक्ट्रिकल बिल बिफोर 26th। जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो तो एक तो मैन पावर होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर पर आपको फोकस। जैसे आपको इनवॉइस आ जाता है एक और जैसे ही इलेक्ट्रिकल बिल आपको 10-11 तक मैक्सिमम आ ही जाता है, तो आप उसको माइंड में रखिए, रिमाइंड में नोट करके रखिए कि आपको इलेक्ट्रिकल बिल 26 के पहले ही आपको पेमेंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो आता है जीएसटी पेमेंट बिफोर 20। आप 20 जो है लास्ट डेट है। अगर आप जीएसटी कोई भी पेमेंट अब 20 को आप नहीं कर पाते हो, तो आप 21st को आप जो है वेब बिल भी आपको निकालने में, मटेरियल डिस्पैच करने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी आप कोई भी सेल करते हो, परचेज करते हो, तो 10th तक तो फाइल ही कर लेते हो और 20 के पहले और 20 लास्ट आपको हर हालत में जीएसटी का पेमेंट करना ही करना है। नेक्स्ट आपको आता है कि 7th जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी और अटेंडेंस बिफोर 5th। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार बोलता है कि अकाउंट्स इज ए बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अकाउंट्स आपका सही नहीं है
तो कोई भी आदमी ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, कोई आदमी ऐसे मतलब वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्टैंड ही नहीं कर सकती है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिसीजन लेना चाहिए, 10th-5th तक पूरा सैलरी का कैलकुलेशन आ जाना चाहिए अकाउंट्स में, कौन कितना दिन प्रेजेंट है, कितना अब्सेंट है, इस महीने का सैलरी कितना देना है, ये पूरा लिस्ट बन जाना चाहिए, किसने कितना बिजनेस किया, कौन पर्सन ने कितना मार्केटिंग किया, सारा अप टू डेट कराना और करना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हाथ में रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर 10th, आप बिजनेस कितना करते हो, आप सेल कितना किए, परचेज कितना किए, आखिर आपको कंपनी में बेनिफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ, लॉस और प्रॉफिट बहुत जरूरी है। मानता हूँ इस समय दिन हो तरह एक सवाल, महीने साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 2 महीने खाली डे रहते हैं, बचना है आपके पास बिजनेस के लिए 10th month, 10th month, 10 महीना ही बिजनेस के लिए होता है, 10 महीने में 4 महीने जो है आपको क्लाइमेट सफर करते कराता है, कभी बारिश होती है और देखा जाए तो ऑन द एवरेज 15 days to 25 days आपका इलेक्ट्रिकल विभाग वाले आपको परेशान करते हैं, कभी पावर कट करते हैं, कभी मेंटेनेंस करते हैं। तो हर मैन्युफैक्चरर और बिजनेस मैन के पास है, किसी दिन आपका नेट नहीं रहता है, कभी सर्वर काम नहीं करता है, तो आपके पास बचा हुआ ही कितना दिन है। तो हर मैन्युफैक्चरर के पास बिजनेस के लिए ऑन एवरेज आपको 8 महीना ही रहता है, साल में 12 महीने में 8 महीना ही जो आपको करना होता हो वो कर सकते हो, 2 महीना फेस्टिवल की छुट्टी, ठीक है, 2 महीना छुट्टी, बचा 10 महीना, उसमें से 15 से 20 दिन करंट डिपार्टमेंट वाले ने पावर कट किया। और एक हर एक देखिए इंडिया में ही प्रॉब्लम है, चाइना और अलग और भी स्टेट आगे क्यों निकलेगा और कंट्री आगे क्यों निकलेगी, चाइना और इंडिया ने दोनों मिलकर एक ही बार बिजनेस चालू किया था, लेकिन चाइना ने काफ़ी डेवलप किया, ये वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन वीडियो को बने रहेंगे तो आपको फायदा होने वाला, हमारे तो नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा कब फायदा होगा, जब आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हो और दूसरे लोगों को शेयर करते हो, तो हो सकता मेरा भी वीडियो वायरल हो और आपका एक छोटा सा सपोर्ट हो सकता है हमको एक बार आगे चल के बेनिफिट देने वाला हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई सैलरी जो है 10th तक आपको अप टू डेट कर देना चाहिए, प्रॉफिट लॉस भी अप टू डेट करना देना चाहिए। इसका 10th जो पॉइंट आता है रिमाइंड फॉर द ड्यू पेमेंट फॉर द कस्टमर। अब देखिए जो मार्केटिंग करता है वो तो मार्केटिंग में बिजी रहता है, उसको ये पता नहीं किस कस्टमर से पेमेंट डालने का है, तो आप अकाउंटेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परचेज वाले से और आपके मार्केटिंग वाले से आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसको रिमाइंड करते रहना चाहिए कि ये सैलरी अभी तक नहीं आया, ये पेमेंट नहीं आया, ये ड्यू बता रहा है। अब किसका कितना दिन आपका एक लिस्ट आउट कर लेना चाहिए कि किसका कितना दिन ड्यू पेमेंट है, कितना दिन पेमेंट टर्म्स में है, उसको रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। देखिए पैसा किसी के पास नहीं रहता, आता है जाता है, आता है जाता है, सेल परचेज का ट्रांजेक्शन को ही बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस का दूसरा ही नाम है ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन कहाँ से होता है, अकाउंट से होता है। तो अकाउंट्स वाले को सब पता होना चाहिए किससे पेमेंट आना है, किससे नहीं आना है, ये सारी चीज़ें उनको फोकस करना चाहिए, ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ड्यूटी आए चले गए, ड्यूटी आए चले गए, पता चला कि पेमेंट आया ही नहीं, कंपनी जो है फंड से आप सफर करने लगती है, फाइनेंशियल से सफर करने लगती है। इसके बाद आपको क्या होता है कि नेक्स्ट क्या 11 पॉइंट क्या है कि अपडेट द लेजर परचेज एंड सेल, और आपको इवरी वीक, डेली नहीं कर सकते, इवरी वीक, महीने में 4 वीक होता है, इवरी वीक आपको परचेज और सेल का जो है लेजर अपडेट करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। हो सकता है आप परचेज वाले में से किसी परचेज का बिल मिस हो गया हो, तो आप अपडेट करके जो परचेजर है, ये जरूर नहीं कि आप परचेज वाला ही बात करें, आप भी बात कर सकते हैं, सर आपका कुछ परचेज हमने किया है, कंपनी आपके साथ बिजनेस किया, परचेज किया, आपका कुछ मिसिंग इनवॉइस है तो एक बार रिमाइंड करिए सर, आप भेजिए मेरे को, और मेरे जिस तरह से हमारी कंपनी जो भी सेल करती है तो ईच एंड एवरी इनवॉइस सेकंड में भेजती है। तो एक परचेज एक अकाउंटेंट के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप जिससे आप परचेज करते हो तो परचेज वाले को बोलिए, नहीं तो आप परचेज वाले से कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, सेल कर रहे
सप्लायर का, उसको बोलिए आपका ये तो बिल आया लेकिन फिर भी आपको मेल में नहीं तो व्हाट्सएप में आपका ईच एंड एवरी बिल हमको भेजते रहिए, ताकि कोई भी मिसिंग बिल इनवॉइस जो है मिसिंग होने का चांस नहीं रहे। नेक्स्ट जो है आपका आता है 12 लिस्ट ऑफ द बायर। आपके पास देखिए एक तो कस्टमर का जो लिस्ट है वो तो सेल वाला करता है, मार्केटिंग वाला करता है, लेकिन सबसे बड़ा बैकबोन जो है आपके हाथों में है। जितना भी आप सेल करते हो, जितना भी आप इनवॉइसिंग बनाते हो, सब रिकॉर्ड आपके पास ही आता है। तो आपको एक दिन में कितना सेल होता है, तो आप एक कस्टमर लिस्ट अपडेट करते जाना चाहिए। ये महीने में एक कस्टमर को गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, क्या लिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो बार बार वो बोलता हूँ कि दलदल बिजनेस एक दलदल है, और उस दलदल से निकालने के लिए बैकबोन का काम जो करता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। आपके पास पूरे लिस्ट आउट होना चाहिए कि कस्टमर कौन से कस्टमर क्या लेता है। आप अप टू डेट अभी तक नहीं करते हो तो आप करते जाइए। हर कंपनी वाले को बोलता हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हम किसको क्या मटेरियल देते हैं, क्या प्रोडक्ट लेता है, उसका एक कस्टमर का लिस्ट होना चाहिए। पर मंथ करते करते कितने हमने अभी तक 2016 से 2023 तक हमने अप टू डेट करते रहना चाहिए, किस कस्टमर को क्या दिया। उस लिस्ट आउट जब तक आप नहीं करते हो, कभी भी आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो आता है कि लिस्ट ऑफ सप्लायर। लिस्ट ऑफ सप्लायर का भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई मटेरियल आया आपके पास, तो कोई बिल आया और बिल का उसने जीएसटी फाइल नहीं करता है, फाइलिंग नहीं करता है, तो आप इस सवाल किसको पूछोगे, परचेज वाले से पूछोगे। और परचेज वाले के पास भी उसका लिस्ट नहीं है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक अकाउंटेंट की, भाई जो भी परचेज आप करते हो, कौन सा मटेरियल किससे आया, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। जैसे ही उसने फाइलिंग नहीं किया तो आपको परचेज वाले से पूछने की जरूरत है, आप तुरंत उसको मेल करिए, कॉल करिए, भाई आपने हमको सेल किया था, आपने हमारे को बिलिंग किया था, लेकिन इस बिलिंग को आपने जीएसटी फाइलिंग नहीं किया, तो इसका फाइलिंग का हमारे को परचेज का बेनिफिट हमको आने वाला नहीं, हमारा डायरेक्ट हमको लॉस होने वाला है। तो ये चीज़ एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जब इतना सारी चीज़ें अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है तो कंपनी चाहे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा टेंशन और सफ़र करने की जरूरत नहीं होती है, काफ़ी स्मूथ बिजनेस चलने लगता है। आगे जब बात करते हैं कम्युनिकेशन विथ परचेज एंड मार्केटिंग, और फिर 414 जो है आपका रिमाइंड फॉर द जीएसटी फाइलिंग। जैसे ही आप ये परचेज का आप लिस्ट आउट करते हो, जैसे ही आप 10 तारीख को या 15 तारीख को फाइलिंग चेक करते हो, तो बहुत सारे लोग जो है आपका सेल तो कर देते हैं, आप उनसे परचेज तो कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे चीटर है जो फाइलिंग तक नहीं करते हैं। ऐसे इवरी मंथ एक 4 से 5 ऐसे सप्लायर मिलते हैं जो जीएसटी तक फाइलिंग नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट के रूल्स के पूरे अनलीगल काम करते हैं। वैसे लोगों से आपको सतर्क कौन करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही सतर्क करेगा, और उस अकाउंट डिपार्टमेंट के नॉलेज में रहना चाहिए कि कौन बंदा ने जीएसटी फाइलिंग नहीं किया, उसको पोर्टल पर जाके चेक करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रिमाइंड करना, फोन से रिमाइंड करना, मेल करना, परचेज वाले से मिल करके उसको अपटूडेट कराना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। आगे हम बात करेंगे फिफ्थ जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका जो कम्युनिकेशन है इवरी डे मार्केटिंग वाले से होना चाहिए, इवरी डे आपको परचेज वाले से होना चाहिए कि आज आपने क्या परचेज किया, आज आपने क्या सेल किया, कुछ बिल तो मिसिंग नहीं रह गया। अगर मान लीजिए अकाउंटेंट उस दिन नहीं आता है तो दूसरे दिन भी आ करके कल परचेज क्या हुआ कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या परचेज हुआ, सेल क्या हुआ, वो पूरी अपडेट हो जाना चाहिए। तो आप हमारी वीडियो को आपने देखा समझा कि जो मार्केटिंग में और बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी बेनिफिट कराने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है वो होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर 15 जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, तो 15 रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर फॉलो करता है तो कंपनी को कभी भी लॉस होने का चांस नहीं आता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, कल फिर मैं आऊँगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लेकर के कि और भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।